नमस्कार दोस्तों, हिम टुडे में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम हिमाचल के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। तीन क्वेश्चन आप वीडियो की स्क्रीन पे देख रहे हो, इसके अलावा भी हम बहुत सारे क्वेश्चन इसमें डिस्कस करेंगे। जो आपको अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पर हम पीडीएफ शेयर करते हैं। दोस्तों, अगर आप नए हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाएँ, ताकि आपको हिमाचल में जॉब से रिलेटेड न्यूज़ और कोई भी जो शिक्षा से संबंधित जानकारी है वो हमारे यूट्यूब चैनल पे सबसे पहले मिलती है। अब बात करेंगे एक एक करके। तो हिमाचल के लिए नाबार्ड द्वारा 161.35 करोड़ रुपए की 44 परियोजनाएं स्वीकृत की गई। दोस्तों, नाबार्ड क्या है? नाबार्ड बहुत से लोगों को पता होगा, ये है आपका नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, यानी कि एग्रीकल्चर और रूरल में जो डेवलपमेंट होती है उसके लिए ये परियोजनाओं के लिए लोन देता है एक तरह से। तो इसमें हिमाचल में 161.35 करोड़ रुपए की 44 जो परियोजना है उनके लिए इन्होंने राशि ये स्वीकृत की है। तो इसमें कुल मिला के 39 सड़क परियोजना है, 39 सड़क परियोजना है, 5 पुल परियोजना है। तो कुल मिला के ये जो खर्च होगा ये सड़क और पुल पे खर्च किया जाएगा 161.35 करोड़। और इन परियोजनाओं में 143.13 किलोमीटर नई सड़कों का निर्माण किया जाएगा और इसमें 60.68 किलोमीटर सड़कों का सत्रोन्नयन किया जाएगा, यानी कि इसमें टायरिंग वगैरह जो भी थोड़ा थोड़ा पैचेस डालते हैं वो कार्य किया जाएगा और 5 पुलों का निर्माण भी किया जाएगा। तो ये जो इन्होंने दिया है नाबार्ड ने, ये सड़क और पुल की परियोजनाएँ के लिए दिया है। क्वेश्चन यहाँ पर बनता है तो अपकमिंग एचपी गवर्नमेंट जॉब्स के लिए क्वेश्चन यहां से आ सकता है। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 2019-20 में लास्ट ईयर की बात करेंगे, IRDF 25 के अंतर्गत 464.83 करोड़ रुपए की 115 परियोजनाएं स्वीकृत की थी। इसमें 102 सड़क परियोजनाएं थी और 13 पुल परियोजनाएं हैं। दोस्तों, 2019-20 यानी कि 19-20 में आपको याद रखना है, IRDF 25 में 115 परियोजनाएं कुल स्वीकृत की गई थी हिमाचल के लिए। इसके बाद बात करेंगे कि 25 करोड़ से बनेगी सरौर खड चुराग उठाऊ पेयजल योजना। तो सबसे पहले तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसलिए है दोस्तों कि हिमाचल में जो मकर संक्रांति हुई थी उस दिन एक खिचड़ी का कार्यक्रम रखा था हिमाचल जो टूरिज्म डिपार्टमेंट है उसकी तरफ से। जो टूरिज्म डिपार्टमेंट है हिमाचल का, उन्होंने 1995 किलोग्राम दाल चावल से खिचड़ी बनाई थी और जो कि वर्ल्ड रिकॉर्ड है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में। दोस्तों, दो टाइप के रिकॉर्ड होते हैं, एक वर्ल्ड रिकॉर्ड होता है, एक होता है गिनीज बुक रिकॉर्ड। तो ये गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हो चुका है। इससे पहले का जो रिकॉर्ड था वो 918.8 किलोग्राम का था, लेकिन अब हिमाचल पर्यटन विभाग यानी कि हिमाचल टूरिज्म डिपार्टमेंट ने इसको तोड़ा है और 1995 किलोग्राम की खिचड़ी बना के इसको खिलाई है लोगों को। इसमें बहुत सारे लोग आए थे उसमें। ये जो हुआ यहाँ पे कार्यक्रम, ये हुआ तत्तापानी में, जो कि मंडी के करसोग जिला में है, जहाँ से मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर आते हैं वहीं से है ये, करसोग में जिला मंडी से। अब इसमें जो 25 करोड़ की बनेगी सरौर खड पेयजल योजना, ये भी इसी से रिलेटेड है, यानी कि वहीं पर ये सरौर खड योजना है, वहीं पर इसका 25 करोड़ से ये चुराग उठाऊ पेयजल योजना बनेगी। और दोस्तों, इस योजना से 174 बस्तियां होगी लाभान्वित, यानी कि 174 जो बस्तियां हैं इसके इर्द गिर्द उनको यहां से पानी दिया जाएगा। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसलिए बनता है क्योंकि यहां पे जो मकर संक्रांति पे खिचड़ी का कार्यक्रम हुआ उसके साथ ही ये मुख्यमंत्री के जिला से भी रिलेटेड है, तो ये क्वेश्चन आपके अपकमिंग एग्जाम में आ सकता है। हिमाचल में लागू होगी लिगेसी मामला समाधान योजना। लिगेसी मामले समाधान योजना क्या है दोस्तों? ये हिमाचल में लागू कर रहे हैं। तो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बताया कि प्रदेश मंत्रिमंडल की आबकारी एवं कराधान विभाग ने, एक्साइज एंड टैक्सेशन विभाग ने हिमाचल प्रदेश के लिगेसी मामले के समाधान को मंजूरी प्रदान की है। अब इस योजना के अंतर्गत दोस्तों मैं क्या बता दूँ, इसमें आता है वस्तु एवं सेवा कर यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स, GST आता है इसमें, विक्रय कर आता है, VAT आता है, केंद्रीय बिक्री कर आता है, अन्य
जो कराधान होता है, जो टैक्सेस होते हैं उसके अंतर्गत जो भी मामले होते हैं वो लीगेसी मामला समाधान योजना के अंतर्गत इसका निपटारा किया जाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लीगेसी मामला समाधान योजना जो है हिमाचल में किससे जुड़ी है, ये जुड़ी है कर मामलों के तहत, जैसे कि GST है या कोई भी तरह का जो टैक्स होता है उसके मामले से संबंधित है। अब इसमें जो मेन क्वेश्चन आता है कि ये कब शुरू की गई थी, तो दोस्तों ये जो योजना है 2019 में लीगेसी जो विवाद समाधान शुरू की थी, यहाँ पे उन्होंने लिखा है 2019 में इन्होंने शुरू की थी मुख्यमंत्री द्वारा, और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बताया कि लगभग 3,500 करोड़ के बकाया और 3,00,000 मूल्यांकन के मामले अभी लंबित पड़े हैं। इस योजना के लगभग 620 से 670 करोड़ तक का राजस्व प्राप्त होगा। यह योजना वर्तमान में सभी डिफॉल्टर के लिए लागू होगी। तो इसमें जो भी पेंडिंग केसेस पड़े हैं इसके अंतर्गत वो सुलझाए जाएंगे, जो भी GST के हैं या किसी भी टैक्स के रिलेटेड है। तो आपको याद रखना है जो नई योजना है लीगेसी मामला समाधान योजना जो टैक्स से रिलेटेड है, जिसमें कि जो पेंडिंग मैटर होंगे उसको समाधान किया जाएगा। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे वित्त वर्ष 2020-21 के लिए 7,900 करोड़ रुपए का राज्य योजना आकार प्रस्तावित किया गया। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इस वित्त वर्ष के लिए 7,900 करोड़ रुपए का राज्य योजना आकार प्रस्तावित किया है। इसमें क्या होगा दोस्तों, इसकी पूरी जानकारी मुख्यमंत्री ने कहा है कि सरकार केंद्र से 6,900 करोड़ रुपए की 7 प्रमुख बाह्य आर्थिक सहायता परियोजना स्वीकृत करवाने में सफल हुई है। यानी कि इन्होंने केंद्र सरकार से 6,900 करोड़ रुपए की योजनाओं के लिए स्वीकृत कराए हैं। ये जो बैठक हुई दोस्तों, ये सोलन सिरमौर शिमला जिला के विधायकों के प्राथमिकता बैठक का आयोजन किया गया था इसमें। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो वित्त वर्ष 2020-21 के लिए है वो 7,900 करोड़ रुपए का इन्होंने प्रस्ताव दिया है, किया है, प्रस्तावित योजना है। अब मुख्यमंत्री ग्राम कौशल योजना, मुख्यमंत्री ग्राम कौशल योजना हुनरमंद हाथों को मिलेगी धन दौलत व शौहरत। दोस्तों ये मुख्यमंत्री ग्राम कौशल योजना क्या है इसके बारे में थोड़ी सी आपको जानकारी दे देते हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अपने जन्मदिन के अवसर पर हिमाचल वासियों को नई योजनाओं की सौगात प्रदान की थी। उन्होंने इसमें विकास एवं पंचायती राज और खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के राशन कार्ड की पोर्टेबिलिटी योजना माई GOV, जो माई गवर्नमेंट है इसमें, और माई GOV के बारे में आपको बता दूं दोस्तों, ये उस पर सुझाव मांगते रहते हैं कि कोई भी जो आपका विधानसभा सत्र होता है या किसी भी प्रकार की योजनाएं आती है तो उस पर आप सुझाव दे सकते हो हिमाचल गवर्नमेंट को डायरेक्ट। माई GOV जो वेब पोर्टल है, CM ऐप, इन पे आप अपना सुझाव दे सकते हो सरकार को कि आपको ये अच्छा लगता है और इससे ये हो सकता है। तो बात करेंगे जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री ग्राम कौशल योजना के तहत शिल्पकारों व कारीगरों को हस्त शिल्प व हथकरता के संरक्षण को प्रोत्साहित करने के साथ साथ युवाओं को इन परंपरागत कलाओं को जानने और समझने के लिए प्रेरित किया। दोस्तों जो मुख्यमंत्री ग्राम कौशल योजना है वो आपका शिल्पकारों और कारीगर है जो कि हाथ से कुछ बनाते हैं, जैसे कि हमने गांव में देखा रहेगा कुछ लोग जो भी शिल्पकार हैं और कारीगर होते हैं हथकरघा उद्योग वाले, उनके लिए ये योजना है। उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा जिसके लिए उन्हें 3,000 रुपये का मानदेय भी दिया जाएगा। सरकार की तरफ से उनको एक ट्रेनिंग टाइप की दी जाएगी और उनको 3,000 रुपये भी साथ में दिया जाएगा। जयराम ठाकुर ने IGMC शिमला में लगभग 10 करोड़ रुपए की डिजिटल सब्सट्रैक्शन एंजियोग्राफी DCA मशीन का भी लोकार्पण किया है। यानी कि उन्होंने वहाँ पे एंजियोग्राफी का जो पहले नहीं थी मशीनरी IGMC शिमला में, उसका भी उद्घाटन किया है। दोस्तों जो मुख्यमंत्री ग्राम कौशल योजना है आपके शिल्पकारों कारीगरों व हथकरघा उद्योग से संबंध रखने वाले युवाओं से है, उनको इसमें ट्रेनिंग और मानदेय दिया जाएगा। तो आपको याद रखना है अगर क्वेश्चन आता है। इसके बाद बात करेंगे किरतपुर नेरचौक 4 लेन, जो किरतपुर और नेरचौक से 4 लेन बन रही है हिमाचल में। दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि ये कौन सा NH है, नेशनल हाईवे 21 है ये, NH 21 भी बोला जाता है इसमें, और इसमें NHAI जो है
वो इसका निर्माण कर रही है जो कि गवर्नमेंट अथॉरिटी है। इसमें कुल मिला के 1,455.73 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं कीर्तपुर नेरचौक 4 लेन के लिए। और ये जो जारी किए हैं केंद्र सरकार यानी कि सेंट्रल सरकार की स्वीकृति से दिए गए हैं। तो आपको याद रखना है NH-21 है और केंद्र सरकार से इसमें इतने 1,455.73 करोड़ मिले हैं। और इसमें अब दोस्तों एक क्वेश्चन और है, प्लास्टिक कचरा प्रबंधन के लिए सिरमौर को मिला सम्मान। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले को जो प्लास्टिक का कचरा का जो मैनेजमेंट किया उन्होंने उसके लिए सम्मान दिया गया है। तो इसका भी आपको क्वेश्चन मिल सकता है। ये स्वच्छ भारत मिशन द्वारा प्लास्टिक कचरा प्रबंधन के उन्नत समाधान के लिए दूसरा स्थान प्राप्त करने पर नई दिल्ली में सम्मानित किया गया। तो दोस्तों ये पूरा इसमें दूसरा स्थान इन्होंने पाया है, तो दिल्ली में इनमें इनको सम्मानित भी किया गया था। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी बनता है कि हिमाचल का कौन सा जिला प्लास्टिक कचरा प्रबंधन के लिए सम्मानित किया गया न्यू दिल्ली में, तो ये रहेगा आपका सिरमौर जिला। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, ताकि आपको PDF मिल सके। इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका धन्यवाद।